वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू द रिएक्ट नेटिव सीरीज। आज हम जो है फोर्थ पार्ट में बात करेंगे एक्सपो रिएक्ट नेटिव सीएलआई। अब रिएक्ट नेटिव में ऐप क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक एक्सपो के थ्रू कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव सीएलआई के थ्रू कर सकते हैं। अभी ये देखें, मैं रिएक्ट नेटिव की साइट खोली है, मैं इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जा रहा हूँ। देन इस पर आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना दो तरीके उन्होंने रिकमेंड किए हैं, एक एक्सपो सी एल आई क्विक स्टार्ट और एक्सपो नेटिव सी एल आई क्विक स्टार्ट। ये दोनों आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आगे सारा एक्सप्लेन करूँगा इसे। तो ये दो तरीके हैं, एक्सपो सी एल आई टूल किट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे और दूसरा है रिएक्ट नेटिव सी एल आई की आप यूज़ कर सकते हैं। अब कोई भी अगर सोचेगा तो वो कहेगा यार एक्सपो और रिएक्ट नेटिव में जाहिर सी बात है रिएक्ट नेटिव सी एल आई चूज़ कर रहे होंगे, अगर मैं तो रिएक्ट नेटिव की ऐप क्रिएट करने आया हूँ। लेकिन अब एक्सपो सी एल आई जो है उसमें बहुत सी, ये थर्ड पार्टी सर्विस है और ये फुल फ्री है, ये हमें ना बहुत सी चीज़ें ऐसी देती है जो रिएक्ट नेटिव सी एल आई नहीं दे सकती, जिसमें एक मेन चीज़ है कि ये मैनेज करती है ऐप डेवलपमेंट, यानी बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो हाइड हो जाती हैं। आप कह सकते हैं कि आप एक नेटिव ऐप बना रहे हैं लेकिन आप नेटिव कोड नहीं लिख रहे उसके लिए, यानी सारा कुछ रैप अप हुआ। ये आपको बहुत से फीचर्स देते हैं जिससे अपना आगे डेवलपमेंट बहुत इजी हो जाती है, यानी एक लाइन का कोड लिखने आप नेटिवली किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, कैमरा को या फिर आपके मेमोरी कार्ड को, मेमोरी को। लेकिन इसका मसला ये है कि आप इसके एको सिस्टम में ना लिमिटेड हो जाते हैं, ये इसका एक ही कोन है, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड कर देता है। और अगर आपने बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी है, नॉर्मली इतनी कॉम्प्लेक्स कोई एप्लीकेशन बनती नहीं है, लेकिन अगर बनानी पड़ जाती है तो फिर आपको कुछ ना कुछ मुश्किलात होंगी, क्योंकि आपके पास कुछ हाइड होगी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो इसलिए फिर जो है रिकमेंड तब होगा कि आप रिएक्ट नेटिव सी एल आई की तरफ जाएँ। अब रिएक्ट नेटिव सी एल आई जो है ये सारी की सारी जो है रिएक्ट नेटिव टीम और उसकी जो कम्युनिटी है वो देखती है, और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है इसकी, ठीक है। अब इसमें ये है कि बेयर बोन सेटअप होता है, डेवलपमेंट होती है, आपको सारा कोड जो है जाके एंड्रॉयड स्टूडियो में लिखना पड़ता है या एक्सपोर्ट में लिखना पड़ता है रिएक्ट नेटिव के लिए, रिएक्ट नेटिव सी एल आई अगर यूज़ कर रहे हैं तो। उसमें जो है ये कि उसका सिर्फ सेटअप ही बेसिक है, बाकी जो इसकी यूसेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके लिए आप कह लेंगे आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो है यूटिलिटी फीचर्स जो हैं आपको ना नहीं मिलते, यानी बने हुए, आपको सारा कुछ खुद बनाना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी मेन चीज़ है, उसकी रीज़न ये है कि आप ना सारा कोड खुद लिख रहे होते हैं फ्रॉम द बेयर मिनिमम बेयर स्टार्ट, तो इसलिए आप जिस तरह मर्जी इसको कस्टमाइज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, हर किस्म की कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़ आप ना उसमें ईजीली मैनेज कर सकते हैं। अब लेकिन एक चीज़ ये है कि मैं अगर आपको करूँगा रेफर या रिकमेंड करूँगा, और कोई भी अगर करेगा एक्सपीरियंस बंदा या नॉर्मल भी कोई, तो वो कहेगा एक्सपो सी एल आई टूल किट आप यूज़ करें। उसकी रीज़न एक सबसे बड़ी ये है कि आप अगर एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऐप भी बना रहे हैं ना, तो एक्सपो सी एल आई आपको ऑप्शन देता है कि आप ईजीली किसी भी टाइम रिएक्ट नेटिव सी एल आई की तरफ ना शिफ्ट हो सकते हैं, यानी वही कोड जितना आपने लिखा है एक्सपो सी एल आई में, उससे आगे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आप उसी वक्त रिजेक्ट कर जाते हैं, आपका वो बाकी सारा कोड एक्सपो जो है ऑटोमेटिकली रिएक्ट नेटिव में कन्वर्ट कर देता है रिएक्ट नेटिव सी एल आई में, और बाकी सारा कोड जो यानी जो मेन पार्ट आपको लिखना होता है वो आप उधर करते हैं। इस कोर्स में नॉर्मली हम यूज़ करेंगे एक्सपो, ठीक है, इस पूरी सीरीज़ में, लेकिन फिर भी एट द एंड मैं आपको रिएक्ट नेटिव सी एल आई की कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा, तो आप आगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन से मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि रिएक्ट नेटिव सी एल आई की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम देखते हैं कि एक्सपो जो है वो काम किस तरह करता है। आप कह सकते हैं जो नेटिव डिवाइस है, जो सिमुलेटर है आपका, यानी आपका iOS हो गया, एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, तो आपका कोड सारा जावास्क्रिप्ट का जो है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन वो अलग होती है, और वो जाके नेटिवली डिवाइस में चलती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अब होता ये है कि जो नेटिव डिवाइस में एक्सपो है, ठीक है, आपको उसके उस कोड को रन करने के लिए ना एक और एप्लीकेशन रन करनी पड़ती है एक्सपो क्लाइंट ऐप नाम है, और ये इस पे ना सारा का सारा आपका एक्सपो का कोड आके रन होता है, ठीक
ठीक है, अब फॉर डेवलपमेंट के लिए बहुत इजी कर दिया इसने काम। और ये है कि जो एक्सपो है इसमें आप पब्लिश भी कर सकते हैं, जिस तरह प्ले स्टोर में आप पब्लिश करते हैं इस तरह फ्रीली ना एक्सपो क्लाइंट पे पब्लिश कर सकते हैं। और लेकिन वो ये है कि वो फॉर ना प्रोडक्शन फेज है, कि आप किसी को भी शो कराना चाहते हैं अपना कोड ना रनिंग फॉर्मेट में, तो एक्सपो क्लाइंट आपको ये एक फीचर देता है। ठीक है, तो इजीली आप ना ये काम भी कर सकते हैं। और अगर बात की जाए फिर उसके बाद के प्ले स्टोर पे बाद में रन करना है, तो उसमें ये है कि आप एक्सपो क्लाइंट पे एक बार करते हैं प्रोडक्शन पे रन, और बाद में इजीली जो है वो प्ले स्टोर पे भी आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं जब काम हो जाए आपका। ठीक है, यानी स्टैंड अलोन जो एप्स होती हैं एट द एंड जो बनती है, तो वो भी इसमें पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल जा रहे हैं रिएक्ट नेटिव सीएलए के थ्रू, तो उसमें एक्सपो तो नहीं होता, तो आपको हमेशा प्ले स्टोर पे डिप्लॉय करना पड़ता है, और आपको पता है उसके चार्जेस फिर होते हैं और सारा आपको पूरा एक खरीदना पड़ता है, यानी उसकी प्रोफाइल। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो हैं कभी भी किसी भी